દમણના ડાભીલ વિસ્તારમાં આવેલ જય જલારામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટની શ્રી ગણેશ પેકેજિંગ કંપનીમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ડાભીલમાં મહાત્મા ગાંધી ઉદ્યોગનગર નજીક આવેલા જય જલારામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટેટની શ્રી ગણેશ પેકેજિંગ નામની કંપનીમાં કોઈ કારણસર આગ લાગી હતી અને આ આગે ગણતરીની મિનિટોમાં જ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરતા લોકોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. આ બનાવની જાણ થતાં જ ફાયર બ્રિગેડના લાશ્કરોએ ઘટનાસ્થળે આવી પહોંચી કલાકોની જહેમત બાદ આગને કાબૂમાં લીધી હતી. જોકે આગને કારણે કંપનીમાં રહેલ મટીરીયલ સળગીને ખાક થઈ ગઈ, છતાં લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થવા પામ્યું હતું. यहाँ पे दमन फायर डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम में करीबन 1:25 के आसपास हमें फायर कॉल की सूचना मिली और सूचना मिलती ही हमारे जो कर्तव्य पर तैनात जो कर्मचारी थे वो घटनास्थल पर रवाना हुए और आधे रास्ते तक आते आते शाम ऊपर से धुआं जो दिखाई दे रहा था तो पता चल रहा था कि कुछ जो आग की जो तीव्रता थी वो काफ़ी मात्रा में है, ताकि हमारे जो स्टाफ ने बाकी जो फायर टेंडर को फायर स्टेशन में इन्फॉर्म किया और बाकी के जितने भी फायर टेंडर था उनको घटनास्थल पर बुलाया. साथ साथ जो नज़दीकी जो नेबरिंग जो फायर ब्रिगेड जो एजेंसी है, जैसे कि वापी नगरपालिका है, GIDC है, इसके अलावा यहाँ पे जो वेल नॉन इंडस्ट्रीज़ है उनका भी जो फायर टेंडर है उनको भी इन्फॉर्म करके यहाँ पे करीबन 10 से 12 फायर टेंडर कुल मिला के इस फायर कंट्रोल करने में लगे थे. आग का कोई कारण जानने को अभी तक आग का जो रीज़न है अभी तक पता नहीं चला है. और पर्टिकुलर जो श्री गणेश पैकेजिंग नाम की जो इंडस्ट्रीज थी उसमें थर्मोकोल का जो बॉक्स बना रहे थे, तो थर्मोकोल एवं उसका जो रॉ मटेरियल्स है वो काफ़ी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है और जलने में काफ़ी तेज़ी से जलते हैं. तो जैसे मैंने मुआयना किया फैक्ट्री का तो ऐसा लग रहा है कि इनिशियली ऊपर के फ्लोर से कुछ फायर शुरुआत हुई है और उसके बाद नीचे, लेकिन नीचे मोस्ट ऑफ एरिया को वैसे सेव किया है. पानी से जो इनडायरेक्ट जो डैमेज हुआ है वो कुछ हुआ है, बाकी नीचे इतना फायर नहीं है, लेकिन ऊपर का जो एरिया था वो काफ़ी जल चुका है. सर कितने फायर हो गए टोटल? फायर टेंडर्स, हाँ. फायर टेंडर कम से कम 10 से 12 के आसपास होगा. कोई इंजरी अभी तक? तो हमने भी ये किया है, अभी तक उन लोगों की जो टीम है उनका मैनेजमेंट है उनको भी पूछा है, अभी तक तो कोई इंजरी या कोई ऐसा कोई सामने नहीं आया है. फिर भी हमारे लोगों को लगाया है कि अगर कुछ है तो पूछताछ करके या फिर सर्च करके फाइंड आउट कर रहे हैं. फायर का प्रावधान होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको कैसा लगा? बराबर था जहाँ तक फायर मैंने तो फर्स्ट ऑफ जो देखा है आई थिंक फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स के अलावा और कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया है. वो आगे हम जाके उनको ये करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमें जो दिखाई दिया है वो फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर्स हमें